पढ़ने नहीं, सीखने चलो, आज नहीं कल बदलने चलो, चलो न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी चलो। आधुनिक शिक्षा तकनीकों से बच्चे बनेंगे स्मार्ट, न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी के साथ बदले अपने बच्चों का भविष्य। नए सत्र के लिए मुफ्त नामांकन जारी है। अभी नीतीश कुमार और अमित शाह का पुतला दहन किया गया है यहाँ पर, उनके NRC मुद्दे को लेकर जो बिल पास किए हैं। नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ, प्लस मुसलमान के साथ, वो सख्त विरोध है, मुसलमान के दिलों में विरोध है कि छल करके उसने, मुसलमान ने उनको मुख्यमंत्री का दावेदार मुख्यमंत्री बनाया और बिहार के मुसलमानों को पीठ पे छुरा खंजर मारने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी। अमित शाह का सपोर्ट नहीं करते तो आज बिल संसद में पास नहीं होता। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुसलमानों के का दुश्मन वो नीतीश कुमार है। अमित शाह और मोदी तीनों मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लगेगा और बिहार की जनता नीतीश कुमार को कतई माफ नहीं करेगा। मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर पूरे जिला में, इसी के तहत हम लोग दरभंगा जिला में भी माननीय नीतीश कुमार और अमित शाह जी का पुतला जला है। आज तो पुतला जला है, 15 तारीख को हम लोग दरभंगा कमिश्नरी पर विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग ने ठाना है जब तक एक गुजरात में आप जानते होंगे जिनका यूनिटी बना है, वो बिहार में यूनिटी लाने के लिए फेमस थे पूरे हिंदुस्तान में, पानी मारो पटेल भाई, और दूसरा वही गुजरात से अमित शाह ये पूरे बिहार में जो अराजकता का माहौल पैदा किया है, जो आपसी भाईचारे को खत्म कर रहा है, इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं पूर्ण आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जी का पूरे बिहार में ऐलान है, न वो किसी का NRC होने देंगे और न वो खुद का होने देंगे, न वो किसी का होने देंगे। अगर किसी प्रशासन द्वारा या किसी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अगर किसी आम जनता को परेशान किया जाएगा तो उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक पूरा बंद रहेगा। और हम लोग 15 तारीख को दरभंगा समाहरणालय पर PM के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। आज क्या किए आप लोग? आज हम लोग माननीय नीतीश कुमार और अमित शाह जी का पुतला दहन किया है नाका नंबर 5 पर। नीतीश कुमार मुर्दाबाद।